हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड होप यू ऑल आर लर्निंग वेल। आज का ये वीडियो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ चल रही है उसमें सेकंड वीडियो है, सेकंड क्लास है। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए ताकि आपको आगे की क्लासेस अच्छे से समझ में आए। ओके, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो संविधान है या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आखिर बना कैसे। संविधान सभा के बारे में डिस्कशन होगा, हर एक चीज़ सीरियल वाइज डिस्कस करेंगे ताकि याद करने में कोई दिक्कत ही ना हो और आपको चीज़ें रटना ना पड़े। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। अगर हम बात करें कि भारत का जो संविधान है या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बना कैसे, तो संविधान निर्माण का विचार जो है वो बहुत पुराना था। यानी कि आज़ादी के बाद ये विचार नहीं आया, आज़ादी से पहले ही जो हमारे गांधी जी थे, महात्मा गांधी, वो ये विचार प्रकट कर चुके थे। 1922 में ही उन्होंने मांग कर दी थी और कहा था कि भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे, यानी कि भारतीय खुद ही भारत का आगे का भविष्य बनाएंगे, राजनीतिक भविष्य बनाएंगे। ये बात कही थी गांधी जी ने और संविधान निर्माण करने की उन्होंने पहले ही बात कर दी थी, तो ये विचार काफ़ी पुराना है। ओके, जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन चला हमारा, तो गांधी जी की इस मांग ने जोर पकड़ा। वो चाहते थे कि बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना बाहरी हस्तक्षेप के, हम हमारा खुद का संविधान बनाएं और ये जो संविधान है वो एक ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाए जिसको वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया गया हो। यानी कि संविधान बनाने के लिए एक ऐसी सभा बनाई जाए जो कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुन के आई हो पूरे भारत से। ओके, आखिरकार जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज़ थे, उनको भारतीय जनता की बात माननी ही पड़ी और संविधान सभा की मांग को उन्होंने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने कि हाँ, आप अपना संविधान बना सकते हो। उस वक्त तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, इसलिए हमें ब्रिटिशर्स से अपनी ये बात उस वक्त मनवानी पड़ी। उसके पश्चात ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने अपना एक दल भेजा जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन ने ही अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें संविधान सभा के गठन की सिफारिश की उसने, कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो कि संविधान का निर्माण करेगी, उसका गठन किया जाना चाहिए। ओके, इसके बाद जुलाई 1946 में, 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है और संविधान सभा के कुल 389 मेंबर चुने जाते हैं। 389 सदस्य संविधान सभा के लिए चुने जाते हैं पूरे भारत से। अब इनमें से कुछ तो आए थे ब्रिटिश भारत से और कुछ आए थे देशी रियासतों से। अब कई सारे बच्चे तो यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रिटिश भारत क्या और देशी रियासतें क्या। तो हम जानते हैं कि जब अंग्रेज़ों का हम पर राज था तो भारत जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से पे राजा राज कर रहे थे, रजवाड़े राज कर रहे थे, रियासतें थी उनकी अलग अलग, पूरे ही देश में फैली हुई थी वो, और एक हिस्से पे जो ब्रिटिश गवर्नर है वो राज कर रहे थे। तो ब्रिटिश गवर्नर वाला जो भारत था उसको हमने ब्रिटिश भारत कह दिया और जो देशी रियासतें थी जिन पर राजा राज कर रहे थे उनको हमने देशी रियासतें कह दिया। ओके, तो ये जो सदस्य चुनकर आए थे संविधान सभा के लिए, ये पूरे भारत से चुनकर आए थे, ब्रिटिश भारत से भी और देशी रियासतों से भी। बस फर्क इतना था कि ब्रिटिश भारत से जो सदस्य चुनकर आए थे उनका चुनाव हुआ था। ओके, जबकि जो रियासतों से सदस्य चुनकर आए थे वो मनोनीत हुए थे, उनको मनोनीत किया था वहाँ के शासकों ने। ठीक है, ब्रिटिश भारत से कुल 296 सदस्य चुनकर आए, जनप्रतिनिधि चुनकर आए, जबकि जो देशी रियासतें थी वहाँ से 93 सदस्य या 93 मेंबर्स को शासकों द्वारा मनोनीत किया गया। ठीक है, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से टोटल 14 सदस्य थे। तो अब ये सदस्य चुनकर कैसे आए, इनके लिए भी एक नियम था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा, जनसंख्या के हिसाब से इनका चुनाव हुआ। ओके, 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा का सदस्य हमने चुन लिया और उस हिसाब से पूरे भारत से सदस्य
चुनकर और मनोनीत होकर संविधान सभा में शामिल हुए। ठीक है, अब इन सदस्यों में दो पार्टीज़ के नेता थे उस वक्त, या दो पार्टीज़ के मेंबर्स थे उस टाइम पे, पॉलिटिकल पार्टीज़ या राजनीतिक दल आप कह सकते हैं। कांग्रेस के इसमें मेंबर्स थे और मुस्लिम लीग के इसमें मेंबर थे। ठीक है, कांग्रेस के मेंबर्स ज़्यादा थे और मुस्लिम लीग के कम थे। अब अगर हम बात करें संविधान सभा की बैठकों की, तो संविधान सभा का निर्माण तो कुछ इस तरीके से हुआ। अब इसकी बैठकें, जहाँ से हज़ारों बार सवाल पूछे गए हैं, उन पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान सभा की, और उस बैठक में क्या किया जाता है, जो सभा का सबसे बुजुर्ग सदस्य था सच्चिदानंद सिन्हा, उनको बना दिया जाता है अस्थाई अध्यक्ष। स्थाई नहीं बनाया, अस्थाई बनाया, टेम्प्ररी बनाया अभी, क्योंकि अध्यक्ष होना ज़रूरी है, तब जाके सभा की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। तो उस वक्त जो सबसे बुजुर्ग सदस्य वहाँ पे मौजूद थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको सदस्य बना दिया गया सभा का। इसका विरोध मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने किया। फिर दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, और उस बैठक में राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिया जाता है, वो भी स्थाई संविधान सभा का। तो ये सवाल हज़ारों बार पूछा जा चुका है कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे और स्थाई अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद तो स्थाई अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष थे। फिर दो दिन बाद फिर बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। अब इस बैठक में क्या होता है कि जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी संविधान के उद्देश्यों को तय करने के लिए, कि किन उद्देश्यों से हम संविधान बनाने जा रहे हैं, एक उद्देश्य का प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, संविधान सभा के सामने नेहरू जी उद्देश्य का प्रस्ताव लाके प्रस्तुत करते हैं। यही उद्देश्य का प्रस्ताव आगे जाके प्रीएम्बल या हमारी प्रस्तावना बनी संविधान की, जो कि नेहरू जी ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को पूरी सभा की सहमति से इसको पारित कर दिया जाता है, उद्देश्य का प्रस्ताव को, जो कि नेहरू जी लेकर आए थे। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा के कार्यविधि को आगे बढ़ाने के लिए, कि किस तरीके से हम संविधान का निर्माण करेंगे, संविधान सभा मिलकर कुछ समितियां बनाती हैं। कुल 13 समितियां संविधान सभा द्वारा बनाई जाती हैं, जिनको अलग अलग काम सौंप दिए जाते हैं संविधान बनाने के लिए। ठीक है, उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट समितियां हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, और उनके अध्यक्ष के नाम जो हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ताकि अगर एग्ज़ाम्स में आए तो क्वेश्चन छूटे ना। ओके, पहली है संचालित समिति। संचालित समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, संचालित समिति के भी राजेंद्र प्रसाद थे, और नियम समिति के भी अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है, संघ शक्ति समिति जो बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष हमने बना दिए थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी को। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को बना दिया गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी को बना दिया गया था। और प्रारूप समिति, जो सबसे इम्पॉर्टेंट समिति इसमें मानी गई थी, जिसे हम ड्राफ्ट कमेटी के नाम से भी जानते हैं, उसके अध्यक्ष हमने बनाए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ओके, ड्राफ्ट कमेटी का या प्रारूप समिति का क्या काम था, एक तरीके से ढांचा तैयार करना संविधान का, कि संविधान आखिर हम बनाएंगे कैसे। जैसे कि जब मकान बनाया जाता है कोई भी, तो उसका नक्शा बनाया जाता है, उसी तरीके से ये प्रारूप समिति का काम था, कि एक तरीके से नक्शा बना के दे संविधान का, कि संविधान आखिर हम बनाएंगे कैसे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट समिति थी, और क्योंकि इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसलिए भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। क्योंकि एक तरीके से हम देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, या हमारे संविधान निर्माण में। ओके, तो इन सभी समितियों ने अपने अपने हिस्से के काम किए, और कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद, और 114 बैठकों के बाद हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बनकर तैयार हुआ। उस समय कुल 284 सदस्यों के हस्ताक्षर से ये संविधान बनकर तैयार हुआ, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ओके, अब आप बोलोगे कि सदस्य जब हमने चुने थे तब तो 389 थे,
389 थे, तो लास्ट में जब संविधान बना तो साइन करने वाले 284 ही कैसे रह गए इसमें। तो हुआ ये था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान तो बनकर तैयार हुआ था 1949 को, और अब हम जानते हैं कि हमारा देश 1947 में ही आज़ाद हो गया था। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब भारत का विभाजन भी हुआ था, भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश भी बने थे। तो जब देश का विभाजन हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ, भारत पाकिस्तान नाम के दो देश बने, तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य शामिल हुए थे संविधान सभा में, वो हटकर अलग हो गए, वो अलग हो गए और सदस्य रह गए 299, जिनमें से 284 ने हस्ताक्षर किए हमारे संविधान पर। ओके, जब इसको हमने पारित किया या अंगीकृत किया, ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है, इसकी डेट पूछी जा चुकी है कि भारतीय संविधान कब पारित हुआ था या कब अंगीकृत हुआ था। तो ये 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, 26 नवंबर को संविधान दिवस हम मनाते हैं। ओके, और 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसको लागू कर दिया गया। अब इसके लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया, जब ये बनकर 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था, तो उसी वक्त क्यों नहीं इसको लागू कर दिया गया? तो इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्योंकि 26 जनवरी का जो दिन था वो स्पेशल था। 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी 1930 के दिन हमने हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। हमारे जो क्रांतिकारी थे देश के, उन्होंने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, उस दिन को वो यादगार रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वेट किया और 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे संविधान को लागू किया। ओके, और इसी दिन को हम आज तक रिपब्लिक डे के रूप में या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, मैंने कितनी बार स्कूल में भी पूछा है, कितने ही बच्चों से, या फिर बड़े बच्चे भी कई सारे ऐसे होते हैं जो कॉलेज तक जाते हैं, उनसे अगर पूछ लिया जाए कि 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, तो ज़्यादातर मैक्सिमम का आंसर होता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था। बहुत कम बच्चों को ये पता होता है कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम 26 जनवरी या रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन सच है ये। तो 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान लागू हो गया। ओके, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसमें कुल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे या कितनी अनुसूचियां थी, इसलिए मैं इसको भी मेंशन कर रही हूँ। ओके, तो कुछ इस प्रकार से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ। आई होप कि आपको समझ आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।